अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हाफिज़ा ज़फ़र। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो शॉर्ट लेक्चर बाय हाफिज़ा ज़फ़र। तो कैसे सब स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब कैरियर से होंगे। अब सो सबकी मिड एग्ज़ाम की तैयारी पर से जा रही होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में जो बेल आइकन पर ऑल का ऑप्शन होता है उस पर क्लिक कर दें। इससे ये होगा मैं जो भी लेक्चर की वीडियो अपलोड करूँगी किसी भी सब्जेक्ट की या कोई भी पास्ट पेपर वगैरह आपके साथ शेयर करूँगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम फिज़िक्स 101 का लेक्चर नंबर 17 जो कि मिड एग्ज़ाम के सिलेबस में इंक्लूड है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें मोस्टली जो है डेफिनेशंस हैं, फोर टू फाइव डेफिनेशंस हैं, कुछ क्विज़ हैं, ठीक है। तो लेक्चर को आपने स्टार्ट से लेके एंड तक ज़रूर वॉच करना है, बिकॉज़ अगर आप अच्छे से वॉच करते हैं तो इसमें आप ही का फ़ायदा होता है, आपको समझ आ जाती है। और मुझे लगता है कि फ़िज़िक्स के जो है कुछ बच्चों की तैयारी होगी, बिकॉज़ के ये टफ़ सब्जेक्ट भी है, इतना भी नहीं है जितना हम लोग समझते हैं इसको, ठीक है। अगर तो आप मेरे लेक्चर सुनेंगे तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी जो है तैयारी हो जाएगी। और मिड से पहले जो है ये मैं सारे अपलोड कर दूँगी, मे बी 4 to 5 बस रह गए होंगे लेक्चर अपलोड होने वाले, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज का लेक्चर जो है हम कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर नंबर 17 है फिज़िक्स ऑफ मटेरियल। देखिए फिज़िक्स में हम क्या क्या चीज़ें रीड करते हैं, स्टडी करते हैं। फिज़िक्स में कुछ हमारे देखें कुछ एक्सपेरिमेंट भी होते हैं, एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कुछ मटीरियल्स चाहिए होते हैं हमें, ऐसे ही है। तो वो कौन कौन से मटीरियल्स होते हैं वो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला है पॉइंट इलास्टिसिटी। इसकी डेफिनेशन आपको आ सकती है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी, तो आपने इसको याद रखनी है, ये इम्पोर्टेंट है। ये जो मैंने हाईलाइट की हुई है ना स्टूडेंट्स, ये इम्पोर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से याद करनी है। द प्रॉपर्टी बाय विच्यू ऑफ विच, ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ज़रिए ऑफ विच अ बॉडी टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, जिससे क्या होता है कि एक बॉडी जो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है एंड साइज और अपनी साइज़ में, व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेस आर रिमूव, जब एक्सटर्नल फोर्सेस को रिमूव कर दिया जाता है। एक्सटर्नल और इंटरनल का मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, इंग्लिश टू रोमन के लेक्चर्स में भी बताया हुआ है और दूसरे लेक्चर जो हैं फिज़िक्स के उसमें भी बताया हुआ है। एक्सटर्नल और इंटरनल का बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करवाया हुआ है, अदरवाइज़ जो स्टूडेंट्स न्यू हैं उनके लिए मैं फिर अगेन बता देती हूँ एक्सटर्नल और इंटरनल क्या होता है। एक्सटर्नल देखें आउटसाइड, ठीक है, मतलब बाहर वाली कुछ चीज़। इंटरनल होता है इंटरनली तौर पे, अंदरूनी, ठीक है, मतलब इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ये एज अ इंग्लिश की वर्डिंग में आ जाता है, मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट की फॉर्म में अगर देखा जाए तो। एक्सटर्नल का मतलब होता है आउटसाइड और इंटरनल का मतलब होता है इनसाइड। उसके बाद इफ़ अ बॉडी कम्प्लीटली रिकवर इट्स ओरिजिनल शेप, अगर कोई भी बॉडी है वो कम्प्लीटली तौर पर मुकम्मल तौर पर अपनी ओरिजिनल शेप को और साइज़ को रिकवर कर रही है, इट इज़ कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक। तो ये क्या कहलाएगी, मुकम्मल तौर पर इलास्टिक कहलाएगी। आपको डेफिनेशन आएगी, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इलास्टिक या डिफाइन इलास्टिक, मे बी 2 मार्क्स की या 3 मार्क्स की, ठीक है। तो आपने इस डेफिनेशन को स्किप नहीं करना, बिकॉज़ कि ये सारा लेक्चर ही इम्पोर्टेंट है एज अ डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो मैं अगेन बता देती हूँ, व्हाट इज़ इलास्टिसिटी, द प्रॉपर्टी बाय विच्यू ऑफ विच अ बॉडी टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेज आर रिमूव, इफ़ अ बॉडी कम्प्लीटली रिकवर्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज इट इज़ कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक। ये होगी इसकी डेफिनेशन। देन ये क्या है, ये आगे इसकी एग्जाम्पल है, क्वार्ट्स स्टील्स एंड ग्लास आर वेरी नियरली इलास्टिक, ठीक है। साथ में आपने इसकी क्या कर देनी है, एग्जाम्पल देनी है, और ये आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है। ये क्वार्ट्स स्टील्स एंड ग्लास किसकी, मतलब एक ऑप्शन दिया होगा, साथ में पूछा होगा कि ये किसकी एग्जाम्पल है या किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, तो आपको पता होना चाहिए इलास्टिसिटी से बिलोंग करती है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ये थी इलास्टिसिटी की डेफिनेशन जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको मस्ट प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्लास्टिसिटी, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस आ सकते हैं, अब इन दोनों में डिफरेंस कैसे आ सकता है, देखिए
लास्ट वाले जो स्पेलिंग है सेम है, मतलब इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी सेम है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या ई और पी का डिफरेंस है जस्ट। तो ये वर्ड क्या है, बोलने में इनकी प्रोनाउंसिएशन बोलने भी मतलब सेम सेम, तो ये डिफरेंस भी आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या सेकंड वाले पॉइंट की, इफ़ अ बॉडी हैज़ नो टेंडेंसी, अगर एक बॉडी है उसके पास अपनी इतनी सलाहियत नहीं है, टेंडेंसी नहीं है कि टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज़, कि वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज़ में आ सके, रिगेन कर सके, तो इट इज़ कॉल्ड परफेक्टली प्लास्टिक। तो ये क्या कहलाएगी, प्लास्टिक। कॉमन प्लास्टिक कौन कौन से होते हैं, नीडी डफ, सॉलिड हनी, ई टी सी आर प्लास्टिक, ये इसके एग्जाम्पल है। उसमें क्या होता है इलास्टिसिटी में, कि एक बॉडी जो है रिगेन हो जाती है अपनी ओरिजिनल साइज और शेप में, और प्लास्टिसिटी में क्या होता है कि नहीं होती। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये आपने इन दोनों में डेफिनेशन याद रखनी है, इजी सा डिफरेंस है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। पता क्या बात, आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट जो है ना ये वाला मुश्किल है, कोई सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैंने लेक्चर डिलीवर किए हैं आपको, स्टडी करवाया इस बारे में, इतना ज़्यादा कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। डेफिनेशन है, कुछ फार्मूलाज हैं, आपको वैल्यूज़ आएंगी, आपको फार्मूलाज पता होनी चाहिए, तो आसानी से आपका पेपर हो जाएगा। अच्छा, ये दो डेफिनेशन होगी। उसके बाद है स्ट्रेस, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंस भी है। स्ट्रेस क्या होते हैं, करेक्टराइज द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स कॉजिंग द स्ट्रेच क्विजिज और ट्विस्ट, इट इज़ डिफाइंड यूजली एज फोर्स पर यूनिट एरिया। ये जो फोर्स के बाद उन्होंने सिंबल दी हुई है ना डिवाइड की, इसको ऐसे बोलते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आप अच्छा, बट मे हैव डिफरेंट डेफिनेशन टू सूट डिफरेंट सिचुएशन। तो इसको क्या है कि अगर आपकी सिचुएशन डिफरेंट होगी तो इसको डेफिनेशन भी और ही सूट करेगी, ये नहीं कि हर कंडीशन के लिए स्ट्रेस की डेफिनेशन सेम है, नो ऐसा नहीं है, चेंज होती है। तो अगर आपको स्ट्रेस की डेफिनेशन आती है, इसके बारे में पूछा जाता है, तो आपने कहना सिंपली इट इज़ डिफाइन यूजली एज, इसको इस तरह से बयान किया जाता है, मतलब इसकी ऐसे तरीफ है कि फोर्स पर यूनिट एरिया, वो फोर्स जो यूनिट एरिया पे लगाई जाती है। ठीक है, यहाँ तक इसकी ये डेफिनेशन है, और ये क्विज़ भी है आपका। ठीक हो गया, आगे आपने ये लिख देना नेक्स्ट के, बट मे हैव डिफरेंट डेफिनेशन टू सूट डिफरेंट सिचुएशन, वी डिस्टिंग्विश बिटवीन थ्री टाइप ऑफ स्ट्रेसेस। अब टाइप भी हैं स्ट्रेस की, ये आपने याद रखनी है, और वो कौन कौन सी हैं वो हम मज़ीद इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट वाली, इफ़ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज़ अप्लाइड अलॉन्ग सम लीनियर डायमेंशन ऑफ अ बॉडी, अगर कुछ डिफॉर्मिंग फोर्स हैं वो अप्लाई कर रहे हैं हम कुछ लीनियर डायमेंशन, एक बॉडी है ठीक है, उसकी लीनियर डायमेंशन है, उस पर हम क्या कर रहे हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, द स्ट्रेस इज़ कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो वो कौन सी स्ट्रेस कहलाएगी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या फिर टेंसाइल स्ट्रेस या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस। इस ये जो डेफिनेशन है इसको थ्री मतलब तीन इसके नेम है, कंप्रेसिव, टेंसाइल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, तो आपको किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, डिफाइन कंप्रेस स्ट्रेस, डिफाइन टेंसाइल स्ट्रेस, डिफाइन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक हो गया, तो आपको याद होनी चाहिए कि इन तीनों की एक ही डेफिनेशन है, आपने कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना उधर। ठीक है, जितना भी पढ़े उसको समझ के पढ़ा करें और ईजी मतलब अंडरस्टैंडिंग में समझा करें, ये नहीं कि हाँ जी एक नज़र लगाया नेक्स्ट देखे, एक नज़र लगाई नेक्स्ट देखे, ऐसे नहीं। जितना भी आपने पढ़ना है उसको अच्छे से पढ़ें, ताकि उसमें से अगर पेपर आता है तो आप उसको सही से लिख सकें, मीन टू से कि उसमें तो आपके पूरे मार्क्स आ सके। अच्छा, ये एक इसके फर्स्ट वाली टाइप होगी। उसके बाद इफ़ द फोर्स, बी पॉइंट में पढ़ने लगी हूँ, अब देख लें इसको, इफ़ द फोर्स एक्ट नॉर्मली, अगर कोई भी फोर्स है वो नॉर्मली तौर पर एक्ट करी एंड यूनिफॉर्मली फ्रॉम ऑल साइड ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी के हर तरफ की साइड से, द स्ट्रेस इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेस। तो ये कौन सा स्ट्रेस होगा, वॉल्यूम स्ट्रेस। उसके बाद थर्ड वाला है, इफ द फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियली, मतलब इसका पता होगा आपको क्या होती है, मतलब वर्टिकल्स होती हैं कुछ, हॉरिजेंटल्स होती हैं, लेकिन ये कोई और फॉर्म में है। ठीक है, इफ़ द फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियली टू वन फेस ऑफ रेक्टेंगुलर बॉडी कीपिंग द अदर फेस फिक्स, द स्ट्रेस इज कॉल्ड, इसको शेयरिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो
तो ये इसकी थ्री टाइप्स थी स्ट्रेस की। आपने स्ट्रेस की डेफिनेशन याद रखनी है और आगे से इसकी थ्री टाइप्स याद रखनी, कौन कौन सी हैं, कंप्रेसिव वॉल्यूम स्ट्रेस एंड लास्ट वन इज़ शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, क्लियर होगा? ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है आपको 5 मार्क्स का, तो ये आपने मास्टर प्रिपेयर करना, इसको स्किप नहीं करना। ओके, अगर यहाँ तक आपको कोई मुश्किल पेश आई हो लेक्चर में या किसी बात की समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं। 4 वाला पॉइंट है स्ट्रेन। व्हाट इज़ स्ट्रेन? पहले हमने स्ट्रेस के बारे में पूछा, सॉरी रीड की, अब हम जो है स्ट्रेन के बारे में रीड करेंगे। व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्सेज आर अप्लाइड ऑन अ बॉडी, जब कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स एक बॉडी पर हम अप्लाई कर रहे हैं, इट अंडरगोज अ चेंज इन शेप और साइज। तो ये क्या करेगी, इसकी चेंज कर देगी, उसकी तब्दीली आ जाएगी शेप और साइज में। द फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल को रिलेटिव भी बोलते हैं, मतलब फ्रैक्शनल भी कह सकते हैं या रिलेटिव। ठीक है, ये और का मतलब होता है यहाँ, मतलब दो हमारे पास ऑप्शन होते हैं। द फ्रैक्शनल और रिलेटिव चेंज इन शेप और साइज इज कॉल्ड द स्ट्रेन। ये इसकी डेफिनेशन है, सही वाली यहाँ से स्टार्ट करनी है। द फ्रैक्शनल और रिलेटिव चेंज इन शेप और साइज, मतलब शेप और साइज में क्या हो जाता है कि अगर तब्दीली आती है तो वो इसकी क्या कहलाएगी, स्ट्रेन। अब स्ट्रेन का फार्मूला क्या है ये अपने मस्त याद रखना है, भूलना नहीं है। स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन ओरिजिनल डायमेंशन। ओरिजिनल डायमेंशन वो होती है तो उसकी पहले वाली होती है, और चेंज वाली जो हम बाद में फिर चेंजिंग करके डिमेंशन बनाते हैं। तो बस आपने इसका फार्मूला और डेफिनेशन याद रखनी है। स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या डिफरेंस है यहाँ पे आपको पता होगा। इसको हम डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, चेंज इन शेप और साइज कॉल स्ट्रेन, फार्मूला चेंज इन डायमेंशन ओरिजिनल डायमेंशन। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अब हम स्ट्रेन के बारे में स्टडी कर लेते हैं। स्ट्रेन इज़ अ रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज़ सो इट हैज़ नो यूनिट। अब यहाँ पे जो याद रखने वाली चीज़ है आपके माइंड में, आपको क्विज आ सकता है एक, विच हैज़ नो यूनिट, सॉरी विच क्वांटिटी हैज़ नो यूनिट, स्ट्रेन। इसका आंसर क्या होगा, स्ट्रेन। जैसे कि इस लाइन में उन्होंने बताया हुआ है कि स्ट्रेन इज़ अ रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटी, मतलब ये रेशियो है कुछ कुछ क्वांटिटीज़ की, सिमिलर्स की, ठीक है। सो इट हैज़ नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता। वो कौन सी क्वांटिटी होती है जिसका कोई यूनिट नहीं होता, स्ट्रेन। क्लियर हो गया? ये आपने क्विज भूलना नहीं, इसको याद रखें। देर आर थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन की भी आगे से थ्री डिफरेंट काइंड हैं, जैसे स्ट्रेस की थी, वो कौन कौन सी हम इसकी भी देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन। भी ये क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इट इज़ द रेशियो ऑफ द चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, मतलब लेंथ में चेंज के, मतलब रेशियो इसका कौन सा होता है लेंथ में चेंज का, जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है, डेट इज़ इसको ऐसे ले, द लीनियर स्ट्रेन डेल एल, मतलब फर्स्ट ये जो ट्राइंगल बनी है इसका मतलब होता है चेंजिंग, इसको डेल भी बोलते हैं, डेल एल डिवाइडेड बाई एल, चेंजिंग इन लेंथ डिवाइडेड बाई लेंथ। ठीक है, इसकी ओरिजिनल वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है, इज़ द रेशियो ऑफ द चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम, ये उसका सेम वैसे ही आ जाएगा कि जैसे हमने लेंथ का किया था। शेयरिंग स्ट्रेन, द एंगुलर डिफॉर्मेशन इन रेडियस इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेस। तो ये मैंने इसकी डेफिनेशन जो है हाईलाइट कर दी है। द एंगुलर डिफॉर्मेशन इन रेडियंस इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक हो गया। उसके बाद फॉर स्मॉल थीटा यानी एंगल द शेयरिंग स्ट्रेस, सॉरी स्ट्रेन इज इक्वल टू थीटा इक्वल्स टू टैन थीटा इज इक्वल टू डेल एक्स डिवाइडेड बाई एल। यहाँ से आपने इनकी याद रखनी है, स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है, इसमें क्विज है, उसके बाद इसकी काइंड्स कौन 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 सी होती हैं, इनकी आपने नेम्स याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हुक्स ला क्या होता है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। डिस्क्राइब अबाउट हुक्स ला, के हुक्स मतलब एच डब्ल ओ के ई हुक, यहाँ तक हुक है और आगे जो एस लगा देते हैं इसका मतलब हुक्स, मतलब का हुक्स ला, हुक्स का कानून क्या था। फर्स्ट स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो ये इसकी डेफिनेशन है कि स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए स्ट्रेस जो है वो प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के, ठीक है। स्ट्रेस इज इक्वल टू ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, द कांस्टेंट ई इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ई हैज़ द सेम यूनिट्स एज स्ट्रेस बिकॉज स्ट्रेन इज डायमेंशनल लेस। तो यहाँ तक आपने जो है हुक्स लॉ के बारे में डिस्क्राइब कर देना है। देर आर थ्री मॉडुली ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ठीक है,
उसके बाद है शेयर मॉडुलस, ये तीन तरह के हैं इसमें। मतलब इसमें फार्मूलाज अपने याद रखना है, यंग मॉडुलस जो है फॉर लीनियर स्ट्रेन के लिए क्या फार्मूला है, वाई से यंग मॉडुलस, वाई से यंग ठीक है, वाई इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू, आगे इनका फार्मूला जो है ये लगा, मतलब इनको हल करके ये आता है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन में ये आता था कि उसकी ओरिजिनल लेंथ से चेंज इन ओरिजिनल लेंथ ठीक है। उसके बाद बल्क मॉडुलस क्या थी, फॉर वॉल्यूम स्ट्रेन लेट अ बॉडी ऑफ वॉल्यूम बी सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म प्रेशर ऑन इट्स एंटायर सरफेस एंड लेट डेल वी बी द कोरस्पोंडिंग डिक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, तो ये इसका फार्मूला है। वन डिवाइडेड बाई बी इज कॉल्ड द कंप्रेसिबिलिटी, यहाँ पे जो ई सॉरी बी जो है यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी को शो कर रहा है। उसके बाद ये आपने याद रखना है शेयर मॉडुलस जो होता है इसका फार्मूला क्या है, शेयरिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाई शेयरिंग स्ट्रेस, मतलब वैल्यूज आपको दी होंगी, आपको फार्मूलेस के मतलब फार्मूलाज का पता होना चाहिए, तो वैल्यू पुट करके सिंपली इनके आंसर निकाल देने अपने। और या पेपर से एक दो दिन पहले सारे फार्मूलेस अपनी एक किसी भी कॉपी के पेज पे लिख के कोई भी वैल्यूज अपने से लेके इनको हल करके अपने खुद देखना है, ठीक है। ठीक है, ये तो हो गया स्ट्रेन के बारे में, स्ट्रेन का एक क्विज है उसके सॉरी हुक्स लॉ के बारे में, हुक्स लॉ की डेफिनेशन है, फार्मूला है, उसके बाद इसके आगे से थ्री मतलब कैटेगरीज हैं, मॉडुलस, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, उसके बाद शेयर मॉडुलस, ठीक है। देन आपने सिक्स वाला पॉइंट है, व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच्ड इट्स लेंथ इंक्रीज एंड रेडियस डिक्रीज, ये एक विज याद रखना है अपने कि जब कोई भी वायर है वो स्ट्रेच्ड हो जाती है तो उसकी लेंथ क्या है, उसकी लंबाई इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है, और इसका रेडियस जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, लेंथ इंक्रीज रेडियस डिक्रीज, ठीक हो गया। द रेशो ऑफ द लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड पॉइसन रेशियो, ये आपने डेफिनेशन याद रखनी है, इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन 0 and 0.5, ये भी डेफिनेशन सॉरी क्विज है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारे पास पॉइसन रेशियो है, पॉइसन रेशियो जो है इसकी मतलब जो वैल्यूज है कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 0.5 तक, ठीक है, मिनिमम ही है, इससे ज़्यादा नहीं होती। उसके बाद ये आपने फार्मूला याद रखना है इसका और डेफिनेशन यहाँ से यही करने वाला था। उसके बाद सेवन वाला, वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर, ऑब्वियसली वी मस्ट डू वर्क अगेंस्ट अ वायर इफ एक्स इज दैट एक्सटेंशन प्रोड्यूस बाय द फोर्स ऑफ इन अ वायर लेंथ, तो ये देखेंगे आपने खुद अपनी कॉपी पेंसिल लेके इसको हल कर लेना है कि अगर जी हमारे पास फोर्स दी हुई है, ठीक है, और उसके बाद वो कह रहे हैं लेंथ है, तो ये कैसे होगा सारा कुछ, देखिए आपने खुद कॉपी पेंसिल पे जो है ना इसको हल कर लेना है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और मुझे नहीं लगता ये पेपर में आएगा बिकॉज़ की इतनी ज़्यादा डेरिवेशन नहीं आती पेपर्स में, टाइम भी शॉर्ट होता है और जो डेफिनेशन क्विज होते हैं वो ही आते हैं ज़्यादा, ठीक मे बी आ जाए, लेकिन आपने इसको क्या करना है एक दफ़ा एक नज़र देख लेना। उसके बाद एट वाला पॉइंट है फ्लूइड वाला जो लेसन मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, वहाँ से भी आपने उसकी डेफिनेशन कर ली या इधर से भी कर सकते हैं, ये लाइन इंपॉर्टेंट थी तो मैंने हाईलाइट कर दी। अ फ्लूइड इज़ अ सब्सटेंस, अ फ्लूइड जो है एक ऐसी सब्सटेंस है डैट कैन फ्लो, जो कि फ्लो करता है, फ्लो मतलब बहता है, जैसे कोई वायर है तो उसमें से करंट फ्लो करता है ना, तो ये वही चीज़ है फ्लो करना, एंड डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ऑन, जिसकी अपनी कोई भी शेप नहीं होती वो फ्लूइड होता है, ठीक है। बाकी आपने पैराग्राफ पढ़ लेना, इसमें कुछ भी जरूरी नहीं था, मैंने पढ़ लिया था, स्टडी कर लिया था, सो इस वजह से कुछ भी इसमें अहम नहीं है, जो था मैंने हाईलाइट कर दी वो लाइन। द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, प्रेशर की डेफिनेशन है ये अपने मस्ट याद रखें, द नॉर्मल फोर्स, जो नॉर्मल फोर्स होती है पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, इसका फार्मूला ये है पी इज इक्वल टू एफ बाई फोर्स बाय एरिया, ठीक है। बाद में इसमें चेंजिंग आ जाती है, इस वजह से उन्होंने ये डेल का ऑप्शन लगाया। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, और ये कौन सी क्वांटिटी होती है, कौन सी मकदार होती है, स्केलर होती है, स्केलर वैक्टर का तो आपने सुना होगा, तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है, नॉट वैक्टर, ठीक है। इट्स यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्केयर, इसका यूनिट भी अपने मस्ट याद रखना है, और पास्कल भी बोलते हैं इसको, ठीक है, तो आपने ये भूलना नहीं है कभी भी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेशर की डेफिनेशन, इसका फार्मूला, ये इसकी क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद है अनदर स्केलर इज़ डेंसिटी, डेंसिटी ये जो पी शो कर रहा है ना आपको, इसको डेंसिटी का, ये डेंसिटी का साइन होता है, इज इक्वल टू डेल एम डिवाइडेड बाय डेल वी, वी मीन्स वॉल्यूम, एम मीन मैस, मैस में चेंजिंग और वॉल्यूम चेंजिंग, वेयर डेल एम इज़ द मैस ऑफ अ स्मॉल पीस ऑफ द मटीरियल, डेल वी इज़ द वॉल्यूम इट्स ऑक्यूपाइड, जैसा कि मैंने पहले बता दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाइन वाला पॉइंट है, जो ज़रूरी चीज़ है, डेट इज़ डेफिनेशन ऑफ प्रेशर
फार्मूला ऑफ प्रेशर, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और इसको पास्कल भी बोलते हैं। उसके बाद 10 वाला ऑप्शन है, लेट अस कैलकुलेट हाउ द प्रेशर इज़ अ फ्लूइड। अब ये सारा कैलकुलेट करने वाला है, ये भी आपने खुद करना है, ठीक है। पास्कल के प्रिंसिपल क्या होते हैं, यहाँ पे इतना उन्होंने प्रॉपर से नहीं बताया हुआ पास्कल के, पास्कल प्रिंसिपल्स के, मतलब पास्कल के क्या क्या कानून होते हैं, क्या कायदे होते हैं, क्या सुन। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर पास्कल प्रिंसिपल आपने अच्छे से 3 से 4 पॉइंट तक याद रखना है, तो आप गूगल से ईजीली सर्च करें, वहाँ से नोट करें 3 से 4 पॉइंट ईजी वाले शॉर्ट लाइन्स में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, उधर ही क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा उन्होंने ना मतलब डेरिवेशन की हुई है, ठीक है, तो यहाँ से इतना ज़्यादा मुझे प्रॉपर सही नहीं लगा। तो आपने क्या करना है, सिंपली गूगल पे जाके पास्कल प्रिंसिपल लिखने हैं, 3 से 4 इजी वाले जो पास्कल प्रिंसिपल होंगे वो आपने नोट कर लेने, याद कर लेने बस, तो आपका ये टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये जो कैलकुलेट करने वाला है, ये भी इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस आपने इसको अपनी कॉपी पेंसिल पे ना, मतलब कॉपी पेंसिल लेके ना इसको एक दफ़ा हल कर लेना, ठीक है, मतलब स्किप नहीं करना, कुछ रह ना जाए, मतलब आपका पेपर जो ना हर हाथ से रेडी हो, तो ये आपने खुद पढ़ लेना। और ये था आज का लेक्चर स्टूडेंट्स, मे भी आपको समझ आ गई होगी। तो लेक्चर मैंने काफ़ी डेज पहले ही अपलोड कर देने थे जो रह गए थे, एक्चुअली मैं थोड़ी सी बिज़ी भी थी और मेरी खुद की भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो देखिए आप, मैंने जो है आपकी रिक्वेस्ट पे लेक्चर बनाया है, तो आपको भी चाहिए कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक शेयर भी किया करें, क्योंकि इतनी मेहनत से जब लेक्चर बनाते हैं, वो भी बंदा जब बीमार हालत में होता है, तो फिर भी ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि आपको समझ आ जाए हमारे लेक्चर से। तो काइंडली आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है। तो आपको मैंने कुछ डेफिनेशंस पढ़ाई हैं आज और कुछ क्विज़ हैं, तो ये मस्ट आपने तैयार कर लेने हैं, इसको स्किप नहीं करना है इस लेसन को, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं अगेन कह रही हूँ। और इंशाल्लाह एक दो दिन पहले जो है मैं इसकी सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन की फाइल्स आपके साथ शेयर कर दूँगी जो पेपर से रिलेटेड होंगे, और कुछ फार्मूलाज भी, न्यूमेरिकल्स भी जो पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अच्छे से मीड एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।